वाई uh, मी uh, मुझे ये फोन कॉल नहीं करने का है पाँच सौ छः ओए 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 आ गए दुनिया के ठेकेदार हेलो जी ओ जनाब मोहतरम वामा साहब अस्सलाम वालेकुम ओ आपने हमें याद करके बहुत इज्जत बख्शी है जी ओ कहिए कैसे मजाज हैं Oh, uh, I'm well. बढ़िया हूँ और आप ओ जी अब बस अल्लाह का क्रम है और आपकी मेहरबानी ओ हम तो फल फूल रहे हैं जी जीडरफुल माई दोस्त आप पाकिस्तान की अच्छी देखभाल कर रहे हैं यू है जनाजी जहर नसीब जनाब वामा जी वो आप ही के मुल्क से सीखा है आप लोग तो सारी दुनिया की अच्छी खासी देखभाल कर रहे हो जी आपके बिना ये कैसे पॉसिबल होता तो हुकम करो जी. हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं ये तो बस एक दोस्ताना कॉल था यू you नो know? अच्छा तो फिर जी खुदा हाफिज बड़े काम पड़े हैं जी और मुल्क संभालना बड़ा मुश्किल काम है जी है आप सभी बात करके तो खुश हो गया ओके जी भाई <laughs> मुझे पता था मुझे पता था मेरे प्यारे दोस्त ओबी ओबामा उस सरदारी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे पहले ही पता था अब इनके पड़ोसी को फोन करना है Why me? मेरे लिए मेरे लिए ऐसा बोला मैं तुम्हारे फोन नहीं लेता लगता है लालू जी बिहार में हार के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी जीत और लालू जी का पत्ता पूरी तरह साफ होने के बावजूद लालू जी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहने लगे कि भैया हम बूढ़े नहीं हुए हैं बल्कि अभी जवान हैं और बिहार के लिए काम करते रहेंगे और ये वो तब कह रहे हैं जबकि जनता उनसे कह चुकी है कि लालू जी प्लीज आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए लेकिन लालू जी को ये बात लगता है समझ में नहीं आ रही है राबड़ी जी हालांकि कोशिश कर रही हैं अब देखते हैं वो कितनी कामयाब होती है खाना अभी तक नहीं परोसा अरे हमें देर हो रहा है अरे देर किस बात का लालू जी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई काम करने जा रहे हैं आप। अरे बहुत काम है अरे अभी हमारा संघर्ष पूरा नहीं न हुआ है हमको सड़कों पर जाकर लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है अरे संभाल के लालू जी आपके वादे के मुताबिक अगर यहाँ का सड़क हेमा मालिनी के गाल जैसा हो गया चिकना तो कहीं आप फिसल न जाए अरे फिसलेंगे कैसे अरे सुनिए अबे तो हम जवान है